हाँ भाई, तो तैयार हो मूवी देखने के लिए? आपकी जो इंटेंशन मूवी देखने की क्या है वो? सिर्फ वक्त तो नहीं, बस मतलब मैं जानना चाहता हूँ, जैसे कि आप शाहरुख खान के फैन हैं या फिर फैन आप... वैन कुछ नहीं। नहीं, नहीं नहीं, पहले पहले बात पूरी होती है, पहले मैं सोच कि क्या आप शाहरुख खान के फैन हैं या उसकी मूवी काफी टाइम बाद आ रही है या शाहरुख खान एक एक्शन मूवी में या जॉन शाहरुख के साथ है और उसमें सलमान खान की एंट्री हो रही है इसलिए देखना चाह रहे हैं या फिर सिर्फ सिंपल बता दे कि भक्तों को जलाने के लिए देखना चाहते हैं? मैं देखना चाह रहा हूँ बायकॉट क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है। बॉलीवुड को बचाने वाला एक मसीहा है शाहरुख खान, उसको देखने जा रहे हैं और भक्तों को जलाने भी जा रहे हैं। ये बोलने के कितने पैसे मिले आपको? 225 रुपए कट के। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपके उम्मीद क्या है, पिक्चर कैसी रहेगी? बाप है पिक्चर सबका बाप शाहरुख खान। देख लिया क्या आपने? नहीं, मैंने थोड़ा सा वो देखा था इंस्टाग्राम पे लोगों की, बायकॉट चल कर रहे थे काफी। हाँ, लेकिन ओपनिंग नहीं, भक्तों की मुंह बंद कर दिया। तो आपको क्या लगता है जो बायकॉट गैंग में इतना दम है, जैसे क्या नाम है लाल सिंह चड्ढा आई थी मूवी, उसे मतलब भक्तों का कहना है कि हमने उसे फ्लॉप करवाया, तो क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं नहीं सहमत हूँ इस बात से। तो आपको क्या लगता है, मतलब क्यों लाल सिंह चड्ढा क्यों? अगर मूवी अच्छी है जी और दम है मूवी में, तो भक्त आए या कोई आ जाए चलेगी मूवी। लोग को चाहिए अच्छी मूवी, और बहुत दिन बाद शाहरुख खान आ रहे हैं, 4-5 साल बाद। वैसे आ रहे नहीं, वो आ चुके हैं, आ चुके हैं, मतलब आ गए हैं और छा भी गए हैं, और अच्छा है, देखेंगे, देख के बताएंगे फिर कैसा है। तो भी सुनने वाला है उस मूवी में सलमान खान की भी एंट्री हुई है तो... देखो स्पाई यूनिवर्स बन रहा है तो इसमें ऐड तो होंगे ही, और जहाँ सलमान खान शाहरुख खान आते हैं वहाँ तो फिर आग लगनी तय है। तो आप बताइए, आप भी देखने आ रहे हैं सुनने वाला पठान? तो आप भी देखने आ रहे हैं वैसे? क्या आप फैन है शाहरुख खान के या फिर सलमान खान के? बहुत बड़ा फैन हूँ, दोनों का ही फैन हूँ, बहुत बड़ा मैं। कैसे? क्योंकि इनकी क्योंकि मैं इनकी जो मूवी है एक भी मिस नहीं करता जी। अच्छा, तो अगर पूछूं SRK का बर्थडे कब आता बता सकते हैं? ये तो याद नहीं है। 2 नवंबर को आता है। टट्टी पैसा बंद होगा ये देखे, 2 नवंबर को आता है। और सलमान खान का बताइए? उनका भी नहीं पता मुझे। 27 दिसंबर में दिसंबर में। तो देख सकते हैं जो असली फैन होते हैं ये होते हैं, और ये होते हैं फर्जी, ये जो पेड प्रमोशन करते हैं 150 रुपए काट ले। ये वो हैं जो भक्त बन के मूवी बॉयकॉट करते हैं और फिर जब मूवी हिट करवानी होती है तो प्रमोशन के 400 रुपए लेकर मूवी को अच्छा बताते हैं और एक दूसरे का फैन बताते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप, इन नल्ले फर्जी वो लोगों को कुछ पता ही नहीं है कि बर्थडे कब है और ये अपना वो फैन बने फिर रहे हैं। तो अब हम आए, हाँ जी क्या चौंधे भैया, आप बताइए आपके साथ बोला नहीं होता है इज्जत? तो देखो नहीं आपकी, फिर भी हम आपको मतलब अपने चैनल पे ला रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो जय हम पूछेंगे आप SRK की मूवी देखने आ रहे हैं पठान, आपके मतलब क्या इंटेंशन है, क्या क्या ख्वाहिश, आप क्या चाहते हैं कि कैसी हो या फिर कुछ भी अपने हो? अच्छी तो है। कैसे अच्छी? आपने देख लिए? नहीं, मैंने ट्रेलर देखा ना, ट्रेलर एक नंबर है, हॉलीवुड फेल कर रहा है ट्रेलर। ये भी साला 150 वाला भक्त है। नहीं, 150 पैसे मिले हैं इसे? बिल्कुल पैसे नहीं मिले हैं। बॉयकॉट गैंग का ये भी ये है गुड वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पत्रकारों की कोई इज्जत नहीं होती, ये दोगले लोग 400 रुपए लेकर प्रमोशन करते हैं या और बॉयकॉट करते हैं, और आज की डेट में जा रहे हैं इसे बताएंगे? कोई नहीं, मुझे नहीं पता, मैं बॉयकॉट नहीं कर रहा, तो जैसा कि गाइस आपने देखा यहाँ पे पैसे देकर पेड प्रमोशन करे जा रहे हैं, कुछ पैसे लेके बॉयकॉट कर रहे हैं और कुछ पैसे लेके प्रमोशन कर रहे हैं। तो जहाँ तक सब चीज समझ में आते हैं कि ये सारे एक थाली के दलाल हैं, अमेरिका के दलाल हैं ये सारे के सारे। तो ठीक है, निकले मूवी के लिए? तो ये सारे गैंग जा रही है? हाँ जा रहे हैं। वैसे तो हम एक दो जाते थे लेकिन अब पठान की रिलीज पे हम सारे मिलकर जा रहे हैं। मुझे ना पता चंगा।
कल्ला तो तुम कल्ला ही सही चंगा ही हो रहा था मिल जाएगी तो आज टिकट पड़ा हुआ तू इधर सीट बताइए टिकट कितनी है भाई टिकट 8 है दिखा अब टिकट दिखाई नहीं टिकट आई नहीं तो आज हैदर का भी सपना पूरा हो गया वॉशरूम बनाने का ऐसा तो पानी के रास्तों को सदैव खुला रखें उनमें सामान रख करके उनमें अवरोध न करें जिससे किसी आकस्मिक चक्र इस समय आप को निकलने में या कर्मचारियों को निकलने में कोई दिक्कत ना हो प्रायः देखा जाता है कि छतों पर लगा दिया जाता है और जब कभी आग लगती है तो नीचे के रास्ता अवरुद्ध होने के कारण लोग जाते हैं ऊपर भी नहीं जा पाते टूट गए ना फिर नाच भक्तों को तो कोई जलाने का रीजन ही नहीं मैं भी देखा तुमने नहीं लेकिन रूबी क्या वही तो नहीं हो रहा कुछ सेटिंग भी ना हो हाँ तो भाई साहब मूवी कैसी लगी आपको बहुत बढ़िया भाई साहब मूवी कैसी लगी अरे गजब बेहतरीन हाँ जनरल भाई साहब मूवी कैसी लगी छोटा भाई जान छोटा भाई जान भाई मूवी कैसी लगी पहले तो मूवी कैसी लगी एक नंबर झक्कास ज्यादा क्या एक्स्ट्रा में कहते हॉलीवुड वाले भी नहीं बना सकते दीपिका पादुकोण मुझे अच्छी लगती थी अच्छी लगने लगी मुझे अच्छी लगी तो आप क्या कहना चाहेंगे दीपिका पादुकोण के बारे में बताओ बताओ वही तो मेन थी अरे सब देखो बहुत मस्त मूवी है देखो भक्तों की बात मत भक्त मैं असल में कुछ दिन पहले बॉयकॉट कर रहा था फिर पैसे नहीं थे फिर बॉयकॉट करने मुझे पैसे मिले फिर उसी पैसे से आया हूँ पठान देखने के लिए तो आज के बाद बॉयकॉट कैंसिल तो मोहसिन भाई ये पठान देखकर अभी आप निकले हैं तो आपको कैसी लगी मूवी अरे भाई साहब बहुत बढ़िया फील हुआ दोबारा देखा क्या फील हुआ मैंने तो दोबारा सो मारा है शाहरुख खान आपको कैसा लगा सर की बॉडी वगैरह और एक्टिंग वगैरह कैसा लगा एक्शन कैसा लगा 55 साल की उम्र में ऐसी बॉडी बनाना नामुमकिन है जो और ऐसा एक्शन कर दिया और एक्शन अल्टीमेट एक्शन फास्ट एंड फ्यूरियस वाली याद आ गई और जॉन अब्राहम के बारे में क्या कहना चाहेंगे जॉन अब्राहम ने सुपर एक्टिंग करी एकदम अल्टीमेट दोनों पे भारी पड़ा है दोनों पे भारी पड़ा है और दीपिका पादुकोण के बारे में अरे उन्होंने तो कर दिया मस्त मस्त